ऐसे ही कोई एक डिपार्टमेंट में या कोई स्कूल में मास्टर ने पूछा कि आप ये बताओ कि क्या आप देख सकते हो या बट छू नहीं सकते। आप लोगों को लगा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। एक लड़का उठा, बोला ये जो पीने का पानी है ना, ये जो मटका है, ये मैं देख सकता हूँ, ये नहीं पी सकता, ये इसको छू नहीं सकता हूँ ना पी सकता। वो अंबेडकर, ये हम लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि समझने का जरूरत ये है कि अंबेडकर एकलव्य नहीं है, वो अपना उंगली नहीं दिया। अंबेडकर वही स्पेस में ऐसे अग्रहरण में घुस के अपना तो किए ही, आपके सामने एक पॉलिटिकल टास्क रख दिया। आई कम बैक टू द पॉलिटिकल टास्क आफ्टर दिस, बट बिकॉज अंबेडकर वॉज अ पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड आई कैन सी दिस विद सम श्योरिटी, आई एम श्योर दैट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन अराउंड हियर एंड आई एम सेइंग दिस विद द फुल नॉलेज देयर इज अ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट राइट बिहाइंड मी हु हैड टू PhDs इन इकोनॉमिक्स एंड इन पोलिटिकल इकोनॉमी, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी टॉट इन एनी ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स वेरी क्लियरली। नॉट एम आई स्पीकिंग फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कास्ट, आई एम ओनली speaking about the political economy of caste, because young Ambedkar's early work was on the political economy of caste, and I think we should give some attention to it. वो क्या बोले, मैं दो तीन चीज सिर्फ रखना चाहता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है। काफी लोग, काफी मार्क्सिस्ट, काफी अंबेडकराइट्स अपने आप में एक डिफरेंशिएशन करते हैं कि एक कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक क्लास के बारे में बात कर रहे थे। गलत, अंबेडकर एक्चुअली वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का लीनियज में ही इंडियन सोसाइटी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला, दैट दिस इज नॉट जस्ट अ डिविजन ऑफ लेबर बट ऑल्सो अ डिविजन ऑफ लेबरर्स। क्लास और कास्ट को कंजंक्शन में देखते हुए, एंड आई शुड एड, इफ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ कास्ट एंड हाउ ही प्रोपाउंड्स ऑन इट, ही गोज ऑन टू से व्हाई द सरप्लस वुमन इज द प्रॉब्लम एक्चुअली एंड व्हाट How to contain caste is to control women. So actually caste, class, gender का एक political economic conjunction से वो बात कर रहे थे। हम अभी जब अंबेडकर को पढ़ते हैं या अंबेडकर का जयंती मनाते हैं या ministry बनाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें अंबेडकर को ही segregate करके, segment करके देखते हैं, ताकि कोई solidarity नहीं हो सके feministों के बीच, मार्क्सिस्टों के बीच, अंबेडकराइट्स के बीच। ये एक, इसमें एक चाल है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, बट आई विल कम बैक टू दैट लेटर। बट एसेंशियली ये कंजंक्शन में ही क्लास, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से देखा जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली, सिंस आई एम एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग, ये एंड क्योंकि एजुकेशन लेके हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक ट्रेजेक्टरी से ये चीज लेके आना चाह रहा हूं कि वेरी इंटरेस्टिंगली डिस्क्रिमिनेशन, मैं पहले JNU में डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूशन स्टडीज का सेंटर में था बाहर निकाल देने से पहले, बट वहाँ एक इंटरेस्टिंग एक लिनियज है। इकोनॉमिक्स में एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूशन का स्टडीज एक हिसाब से होना चालू हुआ, और वो कोई लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, वो शिकागो स्कूल में हुआ। दुनिया का सबसे राइट विंग डिपार्टमेंट जो है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट उनको फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि 12-13 नोबल लॉरेट्स है उसमें, तो फंडिंग भी ज़्यादा मिलता है नोबल लॉरेट्स होने से। बट शिकागो स्कूल में क्यों ये स्टार्ट हुआ, ये सब एक समझना बहुत नए से। अमेरिकन कैपिटलिज्म के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, लेबर मार्केट के हिसाब से, एक्चुअली परफेक्ट सिचुएशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखना नहीं चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एक्सक्लूजन, ये सब तो पुराने दिन के बात थे, फ्यूडलिज्म के बाद थे, पुराने दिन के बाद थे। नया कैपिटलिज्म में, जैसे नया भारत है, उसमें ये सब दिखना ही नहीं था। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, लेबर मार्केट सर्वेज में एक्चुअली दिख रहे थे कि वेज गैप थे। लेबर मार्केट सर्वेज में दिख रहे थे कि कुछ ऐसे, जो भी अभी भी है, जो कुछ ऐसे प्रोफेशंस है, कुछ ऐसे पोजिशन अभी भी है, सिर्फ आदमी है, औरत नहीं है, या वाइट आदमी है और कोई नहीं है। इसका एक जवाब देना नेसेसरी था। इस जवाब देने के चलते शिकागो के राइट विंग इकोनॉमिस्ट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूशन स्टडीज में घुसे,
बट ऑफकोर्स क्योंकि वाइट नोबेल लॉरिएट आदमी है, उनको उतना सोचना नहीं पड़ा। वो एक बहुत मजेदार थ्योरी का नाम दिया, बोले टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन। टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि सफेद आदमी सफेद आदमी को ही हायर करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट लॉजिक पे जाने से आप जिसको जितना कम पैसा देना पड़े तो आप उसी को हायर करते, आप वो नहीं किए। सो देयर इज अ कॉस्ट दैट द हेजेमोनाइजर इज विलिंग टू बेयर टू डिस्क्रिमिनेट, और क्योंकि वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है, आपको भी वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार होना चाहिए इफ यू वांट टू स्मैश दैट, क्योंकि वो सफिशिएंट इकोनॉमिक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है डाइवर्सिटी होने से थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, ओवरऑल नॉलेज प्रोडक्शन ठीक से होगा, नहीं, उनको पता है। वो बैरियर रख रहे हैं ताकि वो ऐसे ही चला पाए इस चीज को। तो ये जब स्टडी स्टार्ट हुआ और ये रिसर्च चलता गया तो बहुत इसके ऊपर बहुत डिबेट होना चालू हो गया इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, बाकी डिसिप्लिन्स में, कि ऐसे कैसे बोल सकते कि टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका थोड़ा एक स्मार्टर थ्योरी देना चाहिए। तो स्मार्टर थ्योरी और एक नोबेल लॉरेट थे केनेथ एरो बोल के, वो बोले कि देखिए जब जैसे समझिए इंटरव्यू जब होता है, इंटरव्यू में कैसे ये काम करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली। सपोज इकोनॉमिक्स में जैसे बोला जाता है आपका स्किल आपका मेरिट देखा जाता है, इंटरव्यू इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पेपर में आप क्या लिखे उससे तो आपका आपके बारे में पता नहीं चलेगा, तो इंटरव्यू में पता चल जाएगा। एक्चुअली इंटरव्यू में करते क्या है, वो इंटरव्यू में एज्यूम करते हैं कि आपसे 3, 5, 10 मिनट, 20 मिनट बात करके वो ये पता कर पाए कि आप प्रोडक्टिव होंगे कि नहीं, आपके पास स्किल है कि नहीं, आपके पास मेरिट है कि नहीं। इट इज बीन प्रूव that it is impossible to fix what a person will do at the time of interview. Post facto skill, post facto merit, post facto productivity cannot be judged pre at the time of interview. But ये झूठ है, एक झूठ ये चलाया जाता है कि interview में ही पता होता है। Actually interview में क्या पता होता है, interview is a screening method to understand whether we are going to take people like us or not. That is the Gary Becker's taste for discrimination. बट ये कैसे करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि केनेथ एरो कैसे बोले, बोले कि पहले तो कलर के हिसाब से तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अब कलर यदि नहीं पता चले तो क्या करेंगे आप प्रॉक्सी वेरिएबल्स ढूंढते हैं कि कैसे पता हो सकता है। जैसे इंडिया में कोई भी मिले पूछे आप कहां से है, क्योंकि सरनेम तो पता करना इम्पॉसिबल है कुछ लोगों को छोड़ के, सरनेम से पता नहीं चलेगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप कहाँ से। वैसे ही अमेरिका में पूछते थे आप कौन सा स्कूल में गए, कौन सा कॉलेज में गए, पहले कॉलेज फिर स्कूल फिर एड्रेस, आप क्रेडिट वर्ड भी है कि नहीं, आप ओल्ड बॉयज क्लब में गए हैं कि नहीं, आपका सोशल प्रिविलेज है कि नहीं। दैट हैज नथिंग टू डू विद हाउ यू विल परफॉर्म, बिकॉज मेरे को नौकरी देने के बाद मैं ना पढ़ा हूं, इंटरव्यू में बहुत अच्छा बात कर लिए, नौकरी देने के बाद ना पढ़ाऊ क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो पोस्ट फैक्टो क्या करेंगे वो नहीं पता है, तो क्या करते थे प्रॉक्सी उठाते थे। दूसरा प्रॉक्सी क्या उठाते थे कि सपोज यू आर फ्रॉम अ मिक्स्ड रेस, दीज पीपल आर लेजी, ये उतना प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो आपका सोशल ग्रुप का मेंबरशिप को आपका प्रोडक्टिविटी का प्रॉक्सी यूज कर लेते थे। अच्छा, इसमें क्या हो जाता था, स्क्रीनिंग करके the glass ceiling would remain, so women would never be given jobs because they will take leave, they won't be productive enough, etc., etc. ab ye self fulfilling prophecy kaise banta hai, screening to samajh mein aa gaya, self fulfilling prophecy aise ban jata hai ki aap ye karke screen karke kabhi women ko naukri denge hi nahi ya baki groups ko naukri nahi denge, uske baad aap yadi survey karte aapko milega sirf white earth, post facto proof self fulfilling prophecy एक्चुअली फिजिकली ऐसे बनता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोला जाता है, दैट्स अनदर यू नो बेटर वे ऑफ कॉलिंग दैट इज टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, बट ये चलते चलते एक्चुअली पता चला कि बाकी जब इक्वल अपॉर्चुनिटी अफर्मेटिव एक्शन आ जाते हैं तो तब हेजेमोनिक ग्रुप क्या करते हैं, तब वो लोग और अलग प्रॉक्सी ढूंढना चालू कर देते। जैसे एक टाइम में जब पता चला कि रिजर्वेशन करना ही पड़ेगा
तब सबसे पहले आप लोगों को शायद काफी लोगों को याद होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, पहले क्या करते थे, लिस्ट में ही नाम टंगा देते थे, नाम लिख देते थे ताकि तुरंत पता चल जाए उसी लिस्ट में। ये 10-20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, एकदम लिस्ट में ही नाम के साथ जात दे देते थे ताकि आपको तभी पता चल जाए कि आपका क्लासमेट कौन है। आप भेदभाव तब से ही चालू कर रहे हैं। उसके ऊपर जब स्टूडेंट प्रेशर पड़ा, फैकल्टी प्रेशर से कुछ नहीं हुआ, स्टूडेंट प्रेशर जब पड़ा कि आप ये नहीं कर सकते, तब वो डिपार्टमेंट में जब भेजते थे तब पूरा लिस्ट के साथ भेजते थे, जात के साथ। इंटरव्यू के लिए जब लिस्ट आता था उसमें जात लिखा होता था। उसके ऊपर जब प्रेशर हुआ, वो बंद हो गया, तब क्वेश्चन पूछते, आप कहाँ से हो, क्या पढ़ के आए हो, तीन तीन शब्द अंग्रेजी में बोल दो, वही पता चल जाएगा ना कि मेंबरशिप है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ जैसे IIT में चल रहे, JEE का स्कोर क्या है, ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग स्क्रीनिंग टेक्निक्स यूज किया जाता है। एक हार्वर्ड में सोशियोलॉजिस्ट है डेबा पेजर बोल के, बहुत इंटरेस्टिंग एक काम वो की बहुत साल से, कि ये स्टिग्मा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन अ बुक कॉल्ड मार्क ऑफ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, ब्लैक अमेरिका के साथ क्या किया जाता है। एक, आपको चार्ज करने का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पिकअप करने का जरूरत है एज पुलिस, दैट इज द मार्क ऑफ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड। यू आर नॉट बीन चार्ज्ड विद एनीथिंग, विद दैट मार्क यू विल नॉट बी एबल टू गेट द नेक्स्ट स्टेप विच इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो इस इकोसिस्टम में मार्क ऑफ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट मार्क एक है। वो मार्क कैसे यूज होता है मैं जस्ट उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, बट सपोज आप पढ़ लिख लिए, आप PhD कर लिए, अब आप इंटरव्यू में पहुंचे प्रोफेसर की नौकरी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के नौकरी के लिए, ये मार्क ऑफ द रिकॉर्ड कैसे काम करता है, उसमें क्या काम करेगा। उसमें ये लोग करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी कॉल्ड नॉन फॉर्म सूटेबल। आप कैसे सूटेबल हैं भैया, जो आप जज कर रहे हैं नॉन फॉर्म सूटेबल नहीं, हम लोग तो पहले आ चुके हैं ना, तो हम जज कर सकते हैं, ठीक ना। ये सेल्फ रेफरल सिस्टम है कि कैसे आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो। आधा एक एक चीज तो ये है कि आप जो रिटर्न डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, यू आप एलिजिबल हो इसलिए आपको इंटरव्यू में बुलाया गया। मैं प्रोफेसरों की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर जिसके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको इन्वाइट किया जाएगा बिकॉज यू हैव द रिक्विजिट। आप इंटरव्यू में जब गए तब आपके साथ आधा घंटा बात करके उस बोर्ड को कैसे पता चल रहा है आप नेक्स्ट 30 साल क्या करेंगे, उसका मतलब क्या है कि 30 साल आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप नॉन फाउंड सूटेबल जो कर रहे हो आफ्टर बीइंग एलिजिबल, वो है कि हम इस क्लब में घुसने नहीं देंगे। नॉन फाउंड सूटेबल करके ये हालत हो गया है कि एक्चुअली ये इकोसिस्टम में बहुत कम कोलीग्स है जो दलित आदिवासी बहुजन है। गलती से आप घुस गए तो आपके साथ तरह तरह के स्टिग्मेटाइजेशन ट्राई किए जाएंगे, तरह तरह के। इसमें भी और एक प्रॉब्लम है, इफ यू आर अ दलित फैकल्टी आपको दलित स्टूडेंट ही दिया जाएगा, ये भी है प्रॉब्लम कि आप ही डील कीजिए ना, आप ही का तो है, आप डील कीजिए। ये पूरा मामला में स्टिग्मेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, स्टिग्मेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, वो मार्क ऑफ द रिकॉर्ड कभी आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप सरनेम ना यूज करो, आप अपने भाषा में बात करो, जो भी कर लो वो ढूंढ के निकालेंगे। मैंने मेरे पहले साथी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सुन के स्माइल भी कर रहा था, साइंस छोड़ दीजिए, सोशल साइंस का तो धंधा ही है कि आपका जात पात जेंडर यही तो करते हैं, इन्हीं से तो एमेरिटस बन जाते ही कर करके ना, तो उनका काम ही ये है, वो कहाँ छोड़ देंगे ये काम करना, वो कॉन्स्टेंटली यही कर रहे हैं एक्चुअली। और यही करके वो जो मार्क ऑफ द रिकॉर्ड रह जाता है, वो उससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इंटरव्यू में जब पहुंचे, PhD करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू में पहुंचे, उन्हीं का टीचर्स वहां उनको रोक दिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार नौकरी मिल जाने से आप तो इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे ना, तब तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मार्क ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि प्रिविलेज ग्रुप जो है वो हमेशा प्रॉक्सी यूज करते ही जाएंगे। जैसे कि अभी ये पूरा रिपोर्टाज जो हो रहा है उसमें अंकुर को छोड़ बाकी लोगों का प्रेशर में काम नहीं कर पाया,
तो भाई आईआईटी में तो प्रेशर है ही, उसी लिए तो आईआईटी है। आईआईटी क्या कर रहा है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना प्रेशर के बाद भी इंजीनियर इंजीनियरिंग नहीं करके बैंक में काम कर रहे तो वो अलग बात है, बहुत प्रेशर होगा उसके पास। बट दूसरा मामला ये है कि एक्चुअली सारे जगह प्रेशर, वो प्रेशर आपके ऊपर भी था तो आप जानते हो कैसे हैंडल करना है, आप हेल्प नहीं करेंगे। तो एक्चुअली लैक ऑफ एम्पैथी है, जो एजुकेशन एक्चुअली सिखाता है कि एम्पैथाइज करो, ये लैक ऑफ एम्पैथी एक्चुअली बहुत डेलिबरेट है, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो इन अ सर्टन सेंस एक्चुअली ये पूरा मामला बढ़ता इसीलिए है क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम ऑल साइड्स। ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूशन के ऊपर और इंटरेस्टिंग काम हो चुका है जो मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली लोग नहीं करते हैं इसे डिस्क्रिमिनेट। तो आजकल परसेप्शन सर्वे खूब हो रहा है क्योंकि परसेप्शन पहले पता चलने का जरूरत है, क्यों लोगों को पता है एफर्मेटिव एक्शन है, एट्रोसिटी एक्ट है, ये है वो है, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, तो वो दूसरा कुछ यूज करेंगे। तो उसलिए परसेप्शन सर्वे से अभी भी पता चल रहा है कि अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं, अनसीएबिलिटी डायरेक्टली नहीं, तो वो कैसे यूज किया जा रहा है वो एक्चुअली इज कमिंग टू द फोर, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर सिचुएशन बाय फोरग्राउंडिंग कि डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन होता है, वो एक्सेप्टेंस परसेप्शन सर्वे करने जाएंगे तो ही हो जाता है। अब मैं एक लास्ट चीज में आना चाहता हूँ, तो एक तो हुआ ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन का पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कास्ट एंड एजुकेशन एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है जैसे मैं बोला एकलव्य का टाइम से अम्बेडकर का टाइम में डिफरेंस था, हम लोग सब पोस्ट अम्बेडकर के टाइम में है। तो अब क्या कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अम्बेडकर तो कर दिए जो उनको करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एफर्मेटिव एक्शन है, लॉ है, उसके चलते लोग आ सकते हैं, उसके चलते बैकलैश भी होगा, तो वो नया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा समझते हैं। और इसमें मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इकोसिस्टम नहीं है, इकोसिस्टम तो होगा ही नहीं क्योंकि आप नॉन फाउंड सूटेबल कर रहे हो टीचरों में, तो टीचर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, ये मान के ही चलो कि अभी उतना ज़्यादा टीचर्स नहीं है, वो डिमांड करते रहना चाहिए बट नहीं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी सेम प्रॉब्लम, सेल्फ रेफरल सिस्टम उसमें भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें हम, दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर हैविंग पार्टिसिपेटेड बिल्ड बींग पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी कमिटीज आई हैव ओवर टाइम आई हैव ऑल्सो बीन थिंकिंग हाउ डज वन एक्चुअली ट्राई एंड ऑपरेशनलाइज दिस और अंडरस्टैंड दिस। तो अगेन आई वॉन्ट टू गो बैक टू अम्बेडकर विच इज आई थिंक टू बी एजुकेटेड इज अ पोलिटिकल टास्क एंड वी कॉन्ट गेट अवे फ्रॉम दैट पोलिटिकल टास्क। द थिंग इज इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली अंडरस्टैंडिंग इट, इट्स अ कलेक्टिव पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज अ पोलिटिकल टास्क इफ वन इज एन अम्बेडकर राइट। इफ एसेंशियली आई थिंक एवरी वन हु अंडरस्टैंड एजुकेशन कम्स इन टू एजुकेशन हैज टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पोलिटिकल टास्क एंड देर टू वेज, वन इज यू कुड बिलोंग टू द मार्जिनलाइज, वन इज यू कुड बिलोंग टू द यू नो द प्रिविलेज। आई एम कमिंग टू बोथ बट लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन वन वे। बट एजुकेट होते ही आप यदि इनइक्वालिटी समझते हैं, भेदभाव समझते हैं, आप एजुकेट तो होंगे, उससे बच नहीं पाएंगे। आप एजुकेट नहीं हो रहे हो एजुकेट होके यूनिवर्सिटी में तो गलत कुछ पढ़ा रहे हो, तो आप खुद से पढ़ के एजुकेट हो जाओ। यदि वो एजुकेट नहीं करवा रहे आपको, उनका काम ही है आपको एजुकेट करवाना ताकि आप एजुकेट हो, आप एजुकेट नहीं हो रहे हो तो आइदर वो ठीक नहीं पढ़ा रहे या आप खुद पढ़ लो। बट एजुकेट होके फिर क्या करोगे, अम्बेडकर बहुत क्लियरली बोलते हैं ऑर्गेनाइज कर लो, क्योंकि इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअली आप आइसोलेटेड होके कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इकोसिस्टम ही ऐसे है कि आपको आइसोलेट करके, देखिए मजेदार मामला क्या है ना, मेरिट एक्चुअली कास्ट है हमारे देश में, बट बोला जाता है मेरिट इंडिविजुअल, तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा आपको ग्रेड ए मिला तो आपको लगेगा आप सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, आपको टीचरों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रेड तो करना ही पड़ता है बेचारों को, काम तो है ही ग्रेड करना, तो कर देंगे ठीक है ना। आप ये फॉल्स कॉन्शियसनेस में पड़ गए कि आप बेहतर हो उससे और ये खराब है मेरे से, कलेक्टिव कोई फीलिंग होगा ही नहीं। तो ग्रेड और ये परसेंटेज एंड मार्क्स बेसिकली डिवाइड करने के लिए रखा गया है, ये आप विश्वास करना चाहते हो आप कर लो, बट मामला ये है कि एक्चुअली एजुकेट होने के बाद ऑर्गेनाइज होना छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है।